हिमाचल प्रदेश के मंडी से इस बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सड़क पर गिरे मलबे को हटा रही जेसीबी मशीन के ऊपर अचानक एक चट्टान आ गिरी और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिला। बताया गया कि मलबे को ये मशीन हटाने के काम में जुटी थी, इसी दौरान पहाड़ से टूटकर बड़ी बड़ी चट्टानें जेसीबी पर आ गिरी। चट्टानों के गिरते ही वहां अफरा तफरी फैल गई। राहत की बात ये रही कि चट्टान के गिरने से पहले ही ड्राइवर ने जेसीबी में से छलांग लगा दी और वो कूद कर बाहर निकल गया। वहीं कुछ और लोग भी मौजूद थे जो मलबे के गिरते ही वहां से तेजी से भागते दिखे। वहीं मंडी के नेशनल हाईवे के साथ ही बारिश की वजह से दूसरी जगहों पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। रास्तों पर पानी भरा होने की वजह से लोग परेशान नजर आए। उधर केदारनाथ नेशनल हाईवे को भी पहाड़ से गिरे पानी की वजह से बंद करना पड़ा। पहाड़ से झरने की तरह गिर रहे इस पानी की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे यात्रा पर निकले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि कई इलाकों में तो पैदल जाने का रास्ता तक नहीं बचा है, जिसकी वजह से अब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। जिसकी एक तस्वीर उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक से सामने आई, जहां उफनती भागीरथी नदी को पार करने के लिए लोगों को रस्सी पर बंधी ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि नदी के पार बसे गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं रह गया है। पैदल आने जाने के लिए जो पुल बने थे वो भी नदी के बहाव में बह गए, जिसके बाद रास्ता पार करने के लिए लोगों को ऐसी ही जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। रस्सी खींचो ना, तब आगे जाएगी। रस्सी खींचो, रस्सी। इस परेशानी से जूझ रहे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हमारे एक मजबूरी बन चुकी है इस पुल को पार करने में, बाकी और रास्ता हमारे लिए कहीं से नहीं बचा हुआ है। इसमें कई आदमियों के हाथ कट चुके हैं। जब कोई आदमी बीमार होता है तो रात को 12 बजे भी इसको खींचना पड़ता है, जिससे कि इसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं खींचने में। रास्ता नहीं होने से परेशान लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन में आ रही दिक्कतों से जूझने का दावा भी किया। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर बनी हुई है। हालात अब ये हो गए हैं कि नदी किनारे मौजूद मकान डूबने लगे हैं और डूब के कारण लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उफनती नदी ने किनारों को तोड़ दिया है, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई मकानों में भी पानी घुस गया। इस दौरान नदी का पानी इतनी तेज रफ्तार में नजर आया कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहाता ले गया। बारिश की वजह से चमोली के छिंदगा पीपलीकोट इलाके में हुई लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से गिरता मलबा पूरी सड़क पर फैल गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। साथ ही कई जगहों पर सड़कें भी पानी के बहाव में बह गईं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और वो एक कतार में सड़क के किनारे खड़ी नजर आईं। वहीं रास्ता खोलने के लिए मशीनों से मलबे को हटाने का काम जारी दिखा। उधर बागेश्वर में भी सरयू नदी के उफान पर आने की वजह से वहां घाट के किनारे बनी शिव की प्रतिमा पूरी तरह से डूब गई। सरयू अपने रौद्र रूप में बह रही है और इसमें पेड़, मलबा, पत्थर और पहाड़ी सब कुछ बह के आ रहा है। बताया गया कि कपकोट में हुई बारिश से नदी उफान पर आ गई। राजस्थान के कोटा में पिकनिक मनाने गए करीब 100 लोग बारिश की वजह से उफान पर आए एक नाले की धार में फंस गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने किसी तरीके से मदद कर निकाला, जो किसी चुनौती से कम नहीं था। हालात ये थे कि अगर एक कदम भी गलत पड़ता तो वो पानी के बहाव के साथ बहते चले जाते, लिहाजा उफनते नाले को पार करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो गए और इसके बाद सहारा लेकर वहां फंसे लोगों को एक एक कर निकाला गया। फंसे हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के जंगल में मौजूद कनकेश्वर महादेव मंदिर में ये लोग दर्शन करने आए थे। वहां आसपास का पूरा इलाका एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। पिकनिक मनाने के बाद ये लोग लौट रहे थे और इसी बीच बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसमें ये लोग फंस गए, जिन्हें वहां के इलाके के लोगों की मदद से किसी तरह निकाला गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने की वजह से फिलहाल लोगों को कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। सड़कों पर जमा पानी को हटाने में अब गाड़ियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी एक तस्वीर आईटीओ से सामने आई,
जहां सड़क से पानी पूरी तरह से गायब दिखा और गाड़ियां एक बार फिर तेज रफ्तार में जाती हुई नजर आईं, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि राजघाट इलाके में अब भी पानी भरा हुआ है। पानी निकालने के लिए एक दिन पहले वहां एक दीवार को भी तोड़ा गया था, लेकिन पानी नहीं निकला, लिहाजा अब पानी निकालने के लिए पंप का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल जमाव की वजह से चारों तरफ गंदगी भी देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं दिल्ली के ऊपर अभी चौतरफा परेशानी है। इस बीच दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हुई बारिश की वजह से वहाँ राहत शिविरों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। बाढ़ राहत शिविर का इलाका है ये, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर लोग सर छुपाने के लिए अब जगह ढूंढ रहे हैं। इस दौरान जो लोग वहाँ मदद के लिए पहुँचे थे वो भी परेशान नजर आए। चीन के कई राज्य इस वक्त भारी बाढ़ की चपेट में हैं। टाइफून तालीम के लैंडफॉल के बाद से ही चीन में तेज बारिश हो रही है। वहीं कुछ रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जहां लोगों को अब नाव की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। कनाडा में जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में आग को बुझाने के लिए 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कनाडा के जंगलों में लगी आग की वजह से एक बार फिर अमेरिका में प्रदूषण की स्थिति खराब हो गई है। आग की वजह से कुछ शहरों में गर्मी भी बढ़ने लगी है। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। जंगलों में लगी आग के रिहायशी इलाकों के करीब पहुंचने के बाद लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। आज जिस वक्त बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की रणनीति पर माथापच्ची कर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। जहां अंडमान निकोबार में अपनी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों की पिछली सरकारों से तुलना करते हुए उन्होंने 26 दलों की बेंगलुरु में हो रही बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमघट करार दिया। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। अवधि कविता और हिंदी फिल्म के गाने एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधे। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है, इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। असल में इतनी उपमाओं के जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की एकता बैठक को भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ ही परिवारवादियों की बैठक साबित करने की भी कोशिश की। चूंकि पीएम मोदी का ये कार्यक्रम ठीक उसी वक्त हुआ जिस वक्त बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक की हलचल तेज थी, इसीलिए वो इस मौके को सियासी टोन सेट करने के अवसर में बदलते नजर आए। और बेंगलुरु बैठक के दिग्गज बताए जा रहे नेताओं पर लगे दागों की याद ताजा करने लगे। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। जाहिर है इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नेताओं पर निशाना साधा और केंद्र में गांधी परिवार को रखा। Zee News.